एकदम मुलायम होता है, कांच का टुकड़ा होता है। देखो इधर आप देखो, तो हाय एवरीवन, कैसे हो? मैं हूं आपका दोस्त माहिर सोरठिया, एंड माहिर सोरठिया ब्लॉग चैनल में आपका दिल से स्वागत है। तो दोस्तों, आज बहुत ही बड़े इंतजाम किया है बोटाद इज्तिमा का, तो वहां पे हमारा जाना है और हम 7 बजे से तकरीबन ट्रेन में बैठ चुके हैं। देख सकते हैं आप, यहां पे 8:15 बजे है और इस टाइम में वीडियो शूट कर रहा हूं, क्योंकि जगह के लिए बहुत ही बड़ी पब्लिक बहुत ही ज्यादा थी, इसलिए वहां पे जगह पहले ढूंढनी जरूरी थी। और दोस्तों, पहले आपको बता दूं कि ये मेरी ट्रेन में लाइफ में फर्स्ट बार जर्नी है, पहली बार मैं बैठ रहा हूँ, पहली बार मैंने ट्रेन देखी है। तो अभी मैं बेडरूम में आया हूँ, वीडियो को शूट कर रहा हूँ। बहुत ही बढ़िया पब्लिक है और आगे भी आपको दिखाने की कोशिश करूंगा क्या होता है क्या नहीं। तो वीडियो पे एंड तक बने रहना, चैनल बनाए हैं तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और सपोर्ट करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बहुत ही बढ़िया, मजा आने वाला। लाइक करो, कमेंट करो। तो फाइनली गाइस, आपने देखा होगा कि कितनी भीड़ है और वहां पे जगह की भी प्रॉब्लम है, आप देख सकते हैं। तो ऐसा सब हुआ है, तो अभी हम निकल गए हैं और रास्ते में पहुंचने वाले हैं। 11 बजे वहां पे पहुंचेंगे इज्तिमा पे, फिर आपको वहां पे रात का दिखाता हूँ और सुबह का नजारा दिखाता हूँ। तब तक इस वीडियो में बने रहना, बहुत ही बढ़िया मजा आने वाला है। और चैनल अच्छी लगे तो लाइक कर देना, कमेंट कर देना, सब्सक्राइब कर देना। टेक केयर, जय हिंद। उबरन ले आओ, આવી તો ગયું સાહેબ તમારું ટ્રેન જા રહી હૈ ઇધર बोल कर नहीं हुआ। तो फाइनली गाइस, हम पहुंच गए यहाँ पे बोटाद और अभी इस टाइम के लोकेशन पे जा रहे हैं, तो वहां पे आपको दिखाता हूँ। બધા સાથી નો વિડીયો આવી ગયો નેશનલી બહાર
तो जो भाई पकड़ दो राखो ना हेलो आ जाओ गाड़ी में भाई क्या पापा भाई उठ ही गए क्या बोल दिया हमरो भाई 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 तो फाइनली गाइस अभी यहाँ पे सब इकट्ठा हुए हैं नाश्ते के लिए कैंटीन पे और हमारे साथ है लुकमान शेख, मुलाकात कर सकते हैं। तो अभी फिलहाल दिखाता हूँ मैं आपको, यहाँ पे बहुत ही भीड़ है, तो अभी व्लॉग में आपको दिखाता हूँ। फाइनली गाइस बहुत ही भीड़ है और मैंने एक टोपी यहाँ से खरीदी है। हमारे साथ है हमारा दोस्त शेख। आपको ये बाजार है, मतलब एक बाजार बनानी है, अभी देखते रहिए आप। एकदम होता है कांच का टुकड़ा होता है, देखो इधर आप कहते हो कि साथी, देखो इसकी दूसरी पहचान बता देता हूँ। पहचान करने वाले साथी यही चलना, मेरा कहना है कि एक बार पी लेना। अरे जो साथी से एक बार पी लेंगे ना पूरी जिंदगी याद करेंगे, यही चलना मेरा कहना है कि पी कर देख लेना। अरे इसे पी कर तो देखो, जो साथी सिराजित को देखो उधर, आप कहते हो ना देखो उधर, वो देखो इसकी दूसरी पहचान। देखो अगर आप देते हो कि सिराजित भाई साहब, इसको उधर रख देना इस मशीन को, देखो उधर आप देते हो कि उसकी पहचान तो बता दो, वो पहचान देखो इसकी, ले देखो ले देखो उधर इसकी पहचान, देखो उधर इंशाल्लाह मेरा कहना है कि पहचान इसकी कर लेना, ले देखो। हाँ ये भाई साहब सिराजित ही पिलाकर बताना सबको, ले देखो उधर आपको, देखो भाई सिराजित एक बंदर खाता है तो बीस बंदरी पे राज करता है। ना 100 साल बूढ़ा होता है, नहीं अपनी मौत से मरता है। खाने वाले व्यक्ति देखो उधर, ऐसे देखो उधर नेपाल वाले जब जाते हैं, देखो उधर तोड़ने के लिए ऊंट गड़ जाते हैं, घोड़े गड़ जाते हैं, पत्थर को तोड़ने के लिए जाते हैं, तो
ऊंट घट जाते हैं, घोड़े घट जाते हैं, क्योंकि शिलाजीत इसका नाम हिंदुस्तान में बिकता है। लो देखो अगर ये निकल के जा रहे हैं, देखो अगर ये रेगिस्तान से जब ये निकल कर जाते हैं ना, तो ऊंट घट जाते हैं, घोड़े घट जाते हैं, क्योंकि शिलाजीत चट्टान का पसीना होता है। बहुत दाइनो बहुत लेंगे हम बाबू। पचास लेके जाओ, चला माल निकल नहीं। क्या रह जाएंगे बोलो, सब रह जाएंगे। हम सफरों में आने जाने के दिनों को जमात में शामिल नहीं करेंगे, दिल्ली में चार महीने में नहीं गिनेंगे। हमारे बुजुर्ग समझाते हैं कि भाई हमारा सिलसिला अमाल का, हमारे चार महीने अमाल के, हमको उस इलाके में गए हैं, चार महीने की जमात है, रोजाना गश्त करेंगे, दो नमाजों के बीच का पूरा वक्त पारित करके गश्त करेंगे, रोजाना जमात करते। जब हमारा मस्जिद का, जिस मस्जिद का हमारा कयाम है उसी मस्जिद का गश्त करें, अड़ोस पड़ोस की मस्जिदों से लोग गुलाम ला जाए, उनको वापस से समझाना, वापस से क्या कर दे, अड़ोस की मस्जिद से, पड़ोस की मस्जिद से दो साथी आए कहने लगे हमेशा